There was a young man called Sunil. एक जवान व्यक्ति था जिसका नाम सुनील था. He just passed his 12th standard. और उसने जो है 12वीं की कक्षा पास की थी. His mother had said, "If you pass the 12th standard, I'll give you a gift." और उसकी माँ ने कहा कि बेटे तुम 12वीं कक्षा पास करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार दूंगी. And so he said, "Mommy, now get me a motorbike." और तब उसने कहा कि ठीक है माँ, अब मुझे मोटरसाइकिल खरीद के दो. The mother was a poor daily wage worker in the government. और उसकी जो माँ थी बहुत ही गरीब थी, सरकारी किसी काम को वो दिहाड़ी पर करती थी. Father never cared for the family. पिता ने तो खैर अपने परिवार की कभी परवाह नहीं की. But he was pestering the mother saying, "Give me this motorbike, get me the motorbike, go and borrow and get me." और ये लड़का जो है अपनी माँ पर दबाव डाल रहा था कि मुझे इस मोटरसाइकिल को खरीद के दो, इस मोटरसाइकिल को खरीद के दो, कर्जा लो और मुझे कैसे भी मोटरसाइकिल दो. Every day he was troubling her. हर दिन वो अपनी माँ को सताता था. She lost her peace. उस माँ की शांति खो बैठी. And finally, और अंत में, a curse came upon the boy. उस लड़के के ऊपर एक श्राप आया. A terrible skin disease came. उसके चमड़ी का उसको रोग हो गया. And his body began to stink. और उसकी जो शरीर था उसमें से दुर्गंध आने लगी. Though he got an engineering seat, he could not go to study. और भले उसको इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल गया था लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं जा पाया. That is the curse of sin. ये है पाप का श्राप. And one day he was lying by the side of the mother. एक दिन वो अपनी माँ के बगल में लेटा हुआ था. The mother was surfing the television channels. और माँ जो थी वो रिमोट हाथ में लेकर टेलीविजन के चैनल बदल रही थी. And our program came on television, Jesus Calls. और यीशु बुलाता है का कार्यक्रम टेलीविजन पर उस समय आ गया. And when that program came, और जैसे वो प्रोग्राम आया, I was praying for the people. और मैं उस समय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था. And on television, I called the name of that boy, Sunil, Sunil. और उस टेलीविजन के माध्यम से मैंने उस लड़के के नाम को पुकारा, सुनील, सुनील. And I had said, Sunil, you are not living a responsible life to help your family. और मैंने कहा कि सुनील जो है तुम जिम्मेदारी का जीवन नहीं जी रहे हो, अपने परिवार को संभालने वाली जिंदगी नहीं जी रहे. Repent, Sunil. और मैंने कहा सुनील पश्चाताप करो. I said, let not the devil deceive you, Sunil. और मैंने कहा सुनील शैतान तुम्हें बहकाने न पाए. Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आ जाओ. Love your mother. अपनी माँ से प्यार करो. Help her. उसकी मदद करो. And use the money to bring great blessings to your family. और पैसे का उपयोग अपने परिवार पर बड़ी आशीष लाने के लिए करो. Live a righteous life. और धार्मिकता का जीवन जियो. And God spoke to Sunil right there. और वहीं पर परमेश्वर ने सुनील से बात की. And the power of God came upon him. और परमेश्वर की सामर्थ उस लड़के पर उतर आई. He cried like a little baby. और वो छोटे बच्चे के समान रोने लगा. He said, "Lord, forgive me." उसने कहा प्रभु मुझे माफ कर. I have wronged my mommy. मैंने मेरी माँ का दिल दुखाया है. I have broken her heart. मैंने उसके हृदय को तोड़ा है. Forgive me. मुझे क्षमा कर. I am sick now. और इस समय अब मैं बीमार हूँ. My skin is stinking. और मेरी चमड़ी में से दुर्गंध आ रही है. Please take me away from this curse of sin. पाप के श्राप से परमेश्वर तू मुझे छुड़ा ले. He cried and cried. और वो रोया और रोया. And God's mercy came. और तब परमेश्वर की करुणा और दया transformed him. उसकी जिंदगी को बदल दिया. Healed him. उसे चंगाई दी. And today he has finished his B.Tech. और आज उसने अपनी B.Tech की पढ़ाई पूरी कर ली. He is an engineer and working. और वो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है. But a child of God. और वो परमेश्वर की संतान है. God will do that for you. परमेश्वर ऐसा ही आपके साथ करेगा. God will do that for you. ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए भी करेगा. My dear young children, मेरे जवान बच्चों, don't pester your parents and trouble them and break their hearts. अपने माँ-बाप पर किसी विषय बारे में दबाव डालकर उनके दिल को मत तोड़ो, उन पर दबाव नहीं लाओ. Start praying to Jesus, who is your heavenly Father, who will provide everything. यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू करो क्योंकि वो आपका स्वर्गीय पिता है, वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा. Turn your heart to Jesus. अपने हृदय को यीशु मसीह की ओर मोड़ लो. Give your life into his hands. अपना जीवन उसके हाथों में दे दो. And he will take over your life. और वो आपके जीवन पर अपना कब्जा ले लेगा. He will give you peace. और वो आपको शांति देगा. He will give you a future. वो आपको भविष्य देगा.